आप ये बताइए कि कौन सा सुंदर लग रहा है, एक ये है अपने पास और एक ये तो देख लीजिए, इसीलिए मैंने क्लीन भी कर दिया है कि चलो ये ना हो कि गंदा दिखे आपको। ये कि ये है बिल्कुल न्यू डब दिख रहा होगा, और ये देखिए बिल्कुल भरा हो, अच्छा भी लग रहा है, अपेक्षा नहीं थी इतना अच्छा दिखेगा, पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नो डाउट। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज बहुत हवा है, खैर जनरली आपको एसयूवी में देखने को मिलेगा एक फिंगर गार्ड होता है। फिंगर गार्ड मीन्स जब आप भी नीचे हाथ लगाते हैं ना, कभी नेल फंस जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए आपको ये अलग से पैकेज मिलता है। जो 5 डोर हैं, 5 डोर के लिए, 4 डोर, 4 डोर के लिए, अगर सेम ही है तो अच्छा रहता है, नहीं तो एक के लिए आपको अलग से लेना पड़ता है। जैसे ये, और प्लस में पीछे ये जो दबा हुआ है, ये साइड तो है पर अपनी M2 DI से DI में ये नहीं है, तो हमें सिर्फ 4 ही मिलते हैं। तो आपको दिखा दूं, ये सस्ता ही आता है। ये देखिए, ये फिंगर गार्ड है, ये देख रहे हैं आप। तो आपको इस तरीके से ये चिपकेगा और फिर ये ऐसा दिखेगा। इसकी प्रोसीजर क्या है, ध्यान रखिएगा, शैम्पू लगा हो, शावर आपको करना है, इसे अच्छे तरीके से साफ करना है। उसके बाद अगर आपको ये लगे कि नहीं ये स्टिक कम पड़ रही है, तो थोड़ा सा और टेप लगा दें। मैं सभी गेट का नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक ही गेट का दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरीके से हर चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एक का मैं दिखा दूंगा, बाकी की प्रोसीजर सेम है, क्योंकि सारे ही सेम टू सेम है, किसी में कोई अंतर है नहीं, कि कोई लेफ्ट का है कि राइट का है, ऐसा कुछ भी नहीं, सेम ही साइज के। अगर ध्यान से देखेंगे, पास मिलाओ बेटू, अभी को पास, ये देखिए आपको यहाँ पे बहुत गंदगी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा ड्राइवर गेट खराब होता है, तो यही से मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। उधर वाले तो ज्यादातर क्लीन है। ये आपके पास माइक्रोफाइबर टॉवल होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, जितना हो सके जहां जहां पे आपको लगाना है पहले थोड़ा सा डाल दीजिए, अच्छा झाग दे। शैम्पू का यूज करिए, सर्फ एक्सेल, या अगर नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश यही करें जितना साफ हो सके। और प्रोटेक्शन लेना है तो आप पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं, पेट्रोल या थिनर जिनका भी यूज करें। ये देखिए, जो डस्ट थी ना वो आपकी हट चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। जितना अच्छा साफ होगा उतना अच्छा वो चिपकेगा। चलिए, ये आपका क्लीन हो गया। अब हम आपके लिए प्रोटेक्टर लाते हैं। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपको स्टिकर दिख रहा है, शायद ये छोटा पड़ जाए, तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है तो आप इस 3M टेप का, और अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है तो और अच्छी क्वालिटी का यूज करें, पर पतला ही लीजिएगा, मोटा मत लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अभी इसमें चूंकि थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये निकल ना जाए, तो हम डबल टेप कर देंगे, तो ये और मोटा हो जाएगा, तो और अच्छे से पकड़ रखे। ये जो आपको ये टेप दिख रहे हैं ना, इनको आप हटा दीजिए। तो ये आप ऐसे निकाल लीजिए, थोड़ा सा इसमें लगता है काट के इन्होंने लगाया है, तो कहीं कहीं आपको हल्की सी रवारी आपको दिखेगी। इसे भी अच्छे से निकाल दीजिए, ध्यान दीजिएगा धूल नहीं पड़ना चाहिए। ये काम अपना हो गया है। अब इसके बाद इस टेप की बारी, इसे निकालिए, जहां पे आपको लगाना है प्रॉपर लगाइए, जिस पोजीशन पे है वहीं तक रखिएगा, और इसे काट दीजिए। जैसे काट दिया, फिर आपको दोबारा लेना है, ध्यान रखिएगा कि नीचे कपड़ा हो तो बढ़िया है, मेरे पास पन्नी है तो पन्नी में काम चला रहा हूँ, कपड़ा नीचे होना चाहिए, जिससे चूंकि ये क्रोम है और वैसा वाला क्रोम नहीं है कि वो सह लेगा कोई भी स्क्रेच, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपके नीचे भी ऐसा कपड़ा हो जिससे इसमें स्क्रेच ना लगे। जो टेप लगा था जहां से, उसी स्टेट पे लेना है, ना तो कहीं पे उभार आना चाहिए, ना तो कहीं पे कम होना चाहिए। ये अपना इस टेप का काम खत्म हो गया। तो अब आप इन्हें पिल ऑफ कर दीजिए, ये पील ऑफ एक हो गया, तो ये भी पील ऑफ। अब सिर्फ आपको एडजस्ट करना है प्रॉपर, यहाँ पे थोड़ा सा उभार है, देखिए ये कहीं पकड़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसे
काट देंगे। ये देखिए हमने काट दिया, अब ये फिट बैठेगा ना कि उभार लेगा। तो यहां से आप देखिए किसकी परफेक्ट पोजीशनिंग क्या है, थोड़ा सा ऊपर और सिर्फ आपको ये लाइन मिलाना है, ये वाली। अब ये जैसे परफेक्ट फिट हो गया है देन चिपका दीजिए, ये आप ऐसे चिपका दीजिए। टेप रहने का एक फायदा होता है कि मान लीजिए ये छोड़ता भी है तो आपके पास एक अलग से है, आप लगा भी सकते हैं। तो ये आपका लग चुका है, देखिए परफेक्ट लग चुका है। अब ये ना हिलेगा ना डुलेगा, देख लीजिए गेट प्रॉपर खुल रहा है, देखिए प्रॉपर गेट खुल रहा है, ये देखिए। और आपका हाथ अब यहाँ पे लगेगा ना कि ऊपर लगेगा, तो ये हो गया परफेक्ट। ये देखिए अपना ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, बताइएगा कैसा लगा। तो इसी तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, जिसको अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पसंद आएगा तो कोई बात। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आता। ये मैंने खरीद लिया था तो इसलिए मैं इसे लगा रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, पर फिलहाल काफी अच्छा दिख रहा है। अगर आप दूर से देखोगे काफी अच्छा लग रहा है, अच्छी फिटिंग भी है, प्रॉपर फिटिंग है। आप ये बताइए कि कौन सा सुंदर लग रहा है, एक ये है अपने पास और एक ये तो देख लीजिए, इसीलिए मैंने क्लीन भी कर दिया है कि चलो ये ना हो कि गंदा दिखे आपको। ये किए है बिल्कुल न्यू डब दिख रहा होगा, और ये देखिए बिल्कुल भरा हुआ, अच्छा भी लग रहा है, अपेक्षा नहीं थी इतना अच्छा दिखेगा, बस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नो डाउट। ये आफ्टर मार्केट आपको 350 में पड़ जाएगा या शायद इसी के आसपास है, चार सेट रहते हैं आपको होम में बंद। ऑनलाइन का मैंने देखा नहीं है तो आप ढूंढ भी सकते हो, आपको सिर्फ फिंगर गार्ड लिखना है, बुलेरो गेट फिंगर गार्ड, तो वो आपको ये मिल जाएगा। आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो ऑनलाइन खरीद लो, ऑफलाइन खरीदना चाहते हो ऑफलाइन खरीद लो। क्वालिटी में क्या अंतर है ये तो आपको आने पे ही पता चलेगा, पर ये भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इतनी ख़राब नहीं है। मैं वीडियो एडिट करते समय देख रहा था, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं किसी का लिंक जरूर दे दूंगा, अगर नहीं दिया हूँ तो समझ जाइए कभी मैं सर्च कर रहा हूँ, एक दो दिन बाद आप देख लेना तब मैं आपको दे दूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ से लें कैसे लें, मैं कोशिश करूँगा कि अमेजन का मिल जाए और बुडमो का मिल जाए तो मैं दे दूँ। एक्चुअल में अंतर क्या होता है कि अमेजन में वही चीज़ थोड़ी सी सस्ती मिल जाती, बहुत नहीं तो थोड़ी सी सस्ती मिल जाती बुडमो की अपेक्षा, पर बुडमो यह है कि जेन्युइन देता है। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि दे दूँ, अगर अगर परफेक्ट लगेगा तो मैं एक ही का दूंगा, नहीं तो दोनों का दे दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब आप पे है और जिन्होंने किया है तहे दिल से धन्यवाद। तो इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, नमस्कार जी।